कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। किया है, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1,00,000 रुपए, उसके लिए हम 1 अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1,00,000 की मदद देंगे, कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1,00,000 की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे और श्रमिक न्याय इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे। जैसा कि SC ST की जातीय जनगणना होती है और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है यह जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म।